ये देखें व्यूवर्स, इस वक्त तकरीबन 6:30 मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह का टाइम है। बहुत अच्छी सुबह है, ठंडी ठंडी। ये देखें ये अंगूर की बेल, इसको लगे हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ये देखें इसने पूरे हमारे घर को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा घर अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा है। बाहर दिन के टाइम इस तरह गर्मी हो रही होती है ना, बस जैसे ना बस जून जुलाई चल रहा है। ये देखें वो देखें ऊपर वाले बिल्डिंग में जा रही है, वो देखें अब ये तकरीबन नवंबर तक ऐसे ही रहेगी और जब जू जू सर्दी तेज़ होती है फिर इसके ये खुश्क हो जाएगी खुद ही। तो ये तीसरा साल है, पहले साल तो इसने इतना खास फल नहीं दिया, लेकिन फिर जब दूसरा साल आया था तो यानी पिछले साल इसने काफ़ी फल दिया। इसके जो अंगूर हैं, जो इसके ग्रेप्स हैं, वो पर्पल से कलर के हैं, जिसके अंदर मोटे मोटे वो बीज से होते हैं, बहुत मज़ेदार थे, मीठे मीठे। ये देखें वो देखें ऊपर तक जा रही है। इस बेल से ये फ़ायदा है कि इसने घर को अंदर से ठंडा किया हुआ है, वरना जिस तरह अगर बेल ना हो तो डायरेक्ट धूप अंदर जाए और उससे गर्मी महसूस हो। गर्मी जब तेज़ होती है फिर शुरू शुरू में जब बेल नहीं थी तो हाल हमारा जो घर के अंदर टीवी लाउंज था वो सारा इस तरह गर्म हो जाता था, लेकिन अब इस बेल ने इतना कि साया किया हुआ है। बैठक में पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, ये ड्राइंग रूम ये वाला जो रूम है, लेकिन बेल की वजह से अब दिन के टाइम इसमें रोशनी भी कम जाती है और ये ठंडी भी बहुत है। यहाँ पे तो सर्दियों में बैठने भी नहीं होता। इसने हमारे इस सेकेंड फ्लोर को भी कवर कर लिया है और ये छत पे जाके शेड बना रही है। छत को भी आप ये देखें, ये देखें ये ऐसे अब ये ऊपर छत पे जाके इसको भी ऊपर से कवर कर रही है। इंशाल्लाह जब ग्रेप्स आएंगे ना तो मैं दोबारा आपको वीडियो बना के ना इसकी दिखाऊंगी। इस वाली बेल पे तो बहुत ज़्यादा अंगूर इसके आती है, जब आएंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी। इसने पूरा शेड भी कवर किया हुआ है, ये देखिए दरवाज़ा, ऐसे जब अंदर भी जाना होता है इसने इसको शेडेड बना दिया है। ये अंदर जाने के लिए देखे शेड बन गए इधर, ये देखे हमने ये लगवाया था फाइबर, लेकिन उसको भी इसने कवर कर दिया। ये है कि फाइबर लगाने से बेल को भी थोड़ा सपोर्ट मिल गई है।